स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन द कोर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग दिस इज मॉड्यूल नंबर वन सिक्स एट एंड आवर डिस्कशन इज रिलेटेड टू फोकस ऑन द कॉन्टेंट नॉट द डिलीवरी पर्टिकुलरली जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि हम क्या कह रहे हैं बिकॉज अवर कॉन्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमारी डिलीवरी भी, भी इंपॉर्टेंट होगी बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्टेंट द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू शेयर

सो so, इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है दैट वी हैव टू पुट आर सेल्फ इन अदर शू वी हैव टू सी देयर एंगल पॉइंट वी हैव टू सी कि वो किस बात को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज के जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की बात करें तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट परस्पेक्टिव और डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं और हमें उनके प्रस्पेक्टिव और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करनी है हमें यह बात समझनी है कि उनका एक अपना साइकोडिक डेवलपमेंट है उनका एक अपना एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट स्टाइल है उनके पास कुछ अपने शवाह और होंगी जिनकी रोशनी में वो अपना एक रद्द अमल वो शो कर रहे हैं तो वी हैव टू सी वट आर द डिफरेंट प्रस्पेक्टिव वट आर द डिफरेंट वेज इन विच पीपल आर एक्चुअली द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जब हम इस सोशल इंटेलिजेंस की और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वी हैव टू एनालाइज द सिचुएशन कि किस सिचुएशन में किस शख्स ने क्यों कर कैसे बर्ताव किया उसके अल्फाज क्या थे उसका अंदाज क्या था उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था सिचुएशन के अंदर बर्नआउट कितना था सिचुएशन के अंदर स्ट्रेस लेवल कितना था क्योंकि ये तमाम तरह चीजें एक्चुअली एक आउटकम को जनरेट वो कर रही होंगी हमें ये देखना है कि किस वक्त हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात वो कर रहे हैं लोगों के प्रस्पेक्टिव क्या है उनकी अंडरलाइन ऑप्शन क्या है उनके पास क्या क्या मौाक थे क्या क्या सूरत हाल थी कि जिसके अंदर वो डिफरेंटली रिएक्ट वो कर रहे थे बिकॉज ये तमाम चीज़ें हमारे लिए एविडेंस भी क्रिएट करेंगी और हम इस बात को कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा रद्द अमल कैसा होना चाहिए लोगों के पास रीजन एंड लॉजिक वो क्या है और क्यों कर वो इस तरीके से बर्ताव वो कर रहे हैं अब इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से याद रखें डियर स्टूडेंट्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट फाइव मेन थिंग्स

फिर हमें सेल्फ कंट्रोल की तरफ लेकर चलना है फिर हमें लोगों के साथ ताल्लुक और मामले में एम्पति शो करनी है हमें उन्हें मोटिवेट करना है एंड ऑब्वियसली सोशल स्किल के तहत हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि हर शख्स के लिए किसी बात का अंदाज और उसका जो गुफ्तार का तरीक़ाकार है वो डिफरेंट हो सकता है और वो डिपेंड कर रहा होगा कि उसके लाइफ परस्पेक्टिव उसकी सिलेक्टिव परसेप्शन वो क्या है और हमें इस बात को समझना है कि लोगों के रद्दअमल वो क्यों करें और हम उसके मुताबिक अपने आप को बैलेंस इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं थैंक यू